फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मशरूम मटर की सब्जी। मशरूम मटर प्याज टमाटर कली और सोया चंक लिया है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, उसमें अब मशरूम को फ्राई करेंगे। हमारा मशरूम सेलो फ्राई हो गया, अब उसे निकाल देंगे। अब हम लोग इसमें तेज पत्ता, लाल मिर्च, जीरा, प्याज मैंने बारीक कटा हुआ डाल के इसे फिर हम लोग भुनेंगे अच्छे से। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम लोग आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मीट मसाला डालेंगे। इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इसमें मटर डालेंगे एक कटोरी और भून के फिर इसमें पानी डाल के भून लेंगे अच्छे से। अब हम लोग इसमें एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि मसाला को अच्छी तरह से भून ना जाए। सोयाबीन लिए थे उसे क्रश करके इसमें भूनेंगे डाल देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें दो चम्मच फ्रेश मलाई डाल करके खूब अच्छी तरह से भूनते हुए हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। इसमें जब हम लोग मशरूम मटर में सोयाबीन का क्रश करके डालें तो बहुत ही अच्छी डिलीशियस सब्जी बनती है। कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और मशरूम को भी मिक्स कर देंगे। बनके तैयार हो गई है, इसमें धनिया क्रश करके डाल देंगे। ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।